Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts. Hope you guys are absolutely fine, you guys are doing perfectly well, you guys are on the fire. तो आज आपका संडे, तो सोचा आपके लिए थोड़ी काफ़ी टाइम से संडे मोटिवेशन नहीं आया था, बिजी शेड्यूल चल रहा था, क्लासेज वासेज आपकी ज़्यादा होती हैं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ी पहुँच पहुँचे चल रहा था, ठीक है, तो अब प्रॉपर आपको आपके सामने मोटिवेशन भी आएगा, क्लासेज वगैरह तो आपकी चल ही रही हैं, ठीक है. तो यार देखो, आज हम जो बात करने वाले हैं, ठीक है, वो बात करने वाले हैं कि डोंट वेस्ट योर टाइम. ठीक है, अभी आप इस टाइम पे हो, इस मोड पे हो, इस स्टेज पे हो कि आपका एक एक सेकंड बहुत 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 ही प्रीशियस है. ठीक है, आपको उसको फालतू चीज़ों में वेस्ट नहीं करना है. ठीक है, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है. ठीक है, इसे मतलब प्रैक्टिकल वे में मैं आपको हर एक चीज़ हर एक बात बताने वाला हूँ. आप ना एक चीज़ को, जो भी आपकी नोटबुक है, ठीक है, जो भी आपके सामने कुछ भी पेपर है, जहाँ पे भी आपके सामने कुछ बोर्ड है, कुछ भी है, तो वहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर सकते हो. आप वहाँ पे लिख सकते हो कि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, ये समय दोबारा नहीं आएगा, जो निकल गया तो वो निकल गया. समझ रहे हो इस बात को? तो अगर आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो टाइम अभी आपके पास है, आपको उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है. अपना 100% आपको उसमें देना है. ठीक है, जब आप अपना 100% देना सीख जाओगे, ठीक है, उसके बाद देखना आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ यार, मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया. ठीक है, एक बात आप सुन लो यहाँ पे, ठीक है, एक बात आप समझ लो यहाँ पे, आप में कई ऐसे स्टूडेंट होंगे, ठीक है, जो कि मतलब इस लेवल पे होंगे, ठीक है, वो मतलब यहाँ होंगे. यहाँ होने का मतलब ये है कि उनका जो मतलब मेंटेलिटी होगी, ठीक है, जो उनका प्रिपरेशन करने का उनका जो मेथड होगा, वो टॉप लेवल पे होगा, उनकी दिक्कत नहीं है. कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि यहाँ होंगे, ठीक है, तो उनको क्या करना है, अगर आपको भी एग्ज़ाम की इस दौड़ में शामिल होना है, तो आपको उठना पड़ेगा, आपको ऊपर उठना पड़ेगा. ठीक है, जब आप ऐसे ऊपर उठोगे, धीरे धीरे आप अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाओगे, अपना एफर्ट देना सीखोगे, ठीक है, उसके बाद ही आपको इन सबको बीट करना, देख रहे हो, इन सबको आपको बीट करना है. तो इनको बीट कैसे करोगे, इनको आप पीछे कैसे छोड़ोगे, आपको इतना ज़्यादा एफर्ट लगाना है. और अगर आप इनको देखोगे, ये ऑलरेडी टॉप लेवल पर, इनका सब सेट चल रहा है प्रॉपर, इन्होंने अपना क्लासेस वासेस कर रहे हैं, ठीक है, अपना फिक्स शेड्यूल बना कि भाई मुझे क्लास करनी है, ये सब्जेक्ट करना है, ये प्रैक्टिस करनी है, ये रिवीजन करना है, वो उनका सारा सेट करके रखा है. तो उनको सिर्फ इतना जाना है ऊपर, एग्ज़ाम ये रहा आपका यहाँ पे एग्ज़ाम, तो उनको सिर्फ यहाँ पे जाना है. आपको देखो, आपको तो यहाँ से इतना उठना पड़ेगा, इतनी आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इतनी आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी. इस बात को आप समझ रहे होंगे, ठीक है. तो मेन चीज़ आप लोगों को जो बात ध्यान में रखनी है कि डोंट वेस्ट योर टाइम. आपको अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है. अगर आपके पास कहीं पर आधा घंटे का भी टाइम मिल रहा है, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज़ करनी है जो कि आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड है, जो कि आपके गोल से रिलेटेड है. समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, अगर आपके पास 10 मिनट का अभी टाइम है, उस 10 मिनट में भी देखो कि यार अपनी प्लानिंग ही कर लो, है ना, कि मैंने अभी इस सब्जेक्ट में इतने सारे टॉपिक कर लिए, मैंने साइंस में इतना कुछ कर लिया है, अब मैं इसे आगे कैसे एग्जीक्यूट करूँगा, उसकी प्लानिंग बना लो. ठीक है, कहने का मतलब है पूरे दिन भर में आप अपने आप से पूछो, ठीक है, अभी आप बैठे हो, ठीक है, अभी आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो को पॉज कर लो, अपने आप से पूछो, एक पॉज मत करो, पहले सुन लो मेरी बात, ठीक है, अपने आप से आप एक बारी पूछ लो कि यार पूरे दिन भर में, दिन से लेकर के रात भर, जब मैं उठ रहा हूँ और जब मैं सोने जा रहा हूँ, इस बीच मैंने ऐसी कितनी चीज़ें करी जो कि मेरी प्रिपरेशन से रिलेटेड थी और वो होनी ज़रूरी थी, और कितनी चीज़ मैंने फालतू की अपना टाइम दिया, ठीक है, जिसका कि मेरी प्रिपरेशन से कोई लेना देना था ही नहीं, है ना, या मेरी लाइफ से उसका कोई लेना देना था ही नहीं, आपने कितना टाइम वेस्ट करा. फिर आपको मिलेगा कि यार मैं अपना कितना टाइम इन फालतू चीज़ों में लगा रहा हूँ और जो कि मुझे अपनी प्रिपरेशन में देना चाहिए था. समझ रहे हो? ये बात आपको बहुत सिंपल लग रही होगी, लेकिन ये सिंपल है नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको सिंपल वे में बताने का. ठीक है, जो इस चीज़ को समझ गया ना यार, अब मान लो कि आपके पास ये जून चल रहा है, जून भी आप लोग देख रहे हो कि ये भी ऑलमोस्ट निकल गया है. ठीक है, आप लोग जून देख रहे हो, जून भी आपका ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. इसके बाद आपकी स्कूल की जो भी शेड्यूल रहता है प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा. तो उसमें देखो फिर आपको कहाँ ज़्यादा टाइम मिलने वाला है, आपको उसी में से टाइम निकालना पड़ेगा. समझ रहे हो ना बात को? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा, जो इन चीज़ों को अपना डेली रूटीन में रखेगा, डेली शेड्यूल में रखेगा, उसी के चांसेस बनेंगे भाई, है ना. क्योंकि अब आप लोग देख रहे हो कि एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि आपने नॉर्मल एक दो बात पढ़ ली कि हो गया, आपको हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट लेकर के आपको चलना पड़ेगा, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके. ठीक है, नहीं तो फिर
दिक्कत ही होगी, है ना। अगर आपको अपना एग्जाम सिक्योर करना है तो आपको हर एक चीज़ लेके चलनी होगी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज आपको पढ़ना होगा, ठीक है। वही चीज़ मेरा मेन फोकस रहता है, ठीक है। जो भी मैं आपको जब भी जो भी आपके बैच वैच चल रहे हैं, ठीक है, ऐप, अच्छा यार ऐप आपने डाउनलोड कर लिया होगा, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट ऐप आपने डाउनलोड कर लिया होगा, प्ले स्टोर से कर लेना, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें देखो अपने जो भी आपको कोर्स वोर्स लेने, क्लासेस वासेस लेने, वहाँ से भी आप ले सकते हो। बाकी यूट्यूब पर भी सारा कंटिन्यू चल रहा है, वहाँ आपकी डेली क्लासेस होती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलते हैं, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहती है, लिसन केयरफुली, एनी टाइम डाउट आपके लिए मैंने फैसिलिटीज रखी है। क्योंकि मुझे पता है यार, जब आप लोग अपनी कोई भी चीज़ कर रहे हो, अपना क्वेश्चन कर रहे हो, अपनी कुछ भी टॉपिक कर रहे हो, आपको डाउट आता है तुरंत आपने कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर होता है, ठीक है। 24/7 अवेलेबल रहता है, जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। मेन चीज़ वही कि अभी जिस लेवल पे है, जितना हो सके आपके लिए करना है भाई, अच्छे से करना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको परेशान नहीं होना होता कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, ठीक है। हर एक चीज़ आपको बताई जाती है, ठीक है। फिर आपका जो भी प्रिपरेशन है वो हमारी प्रिपरेशन होती है कहीं ना कहीं, है ना। आपको बस उस चीज़ को फॉलो करना होता है, ठीक है। आपको अपना ज़्यादा फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग उस पर लगाना है जो आपको बोला जाएगा कि इस चीज़ को करो, ऐसा करो, वैसा करो, उस पर आपको अपना माइंड लगाना है बढ़िया से, ठीक है। फिर देखो आपका सिलेक्शन कैसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ से देख लो, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी आपका इश्यू होगा आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। बच्चों का वो चलता है, तो जो भी बैच में आता है तो फिर उसका बिल्कुल सेटिस्फाई वो रहता है कि हाँ भाई हमें कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, ठीक है। हर एक चीज़ आपको फिर वहाँ करवाई जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर बोल रहा हूँ, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना हो सके टाइम को यूटिलाइज किया करो, है ना। काफ़ी टाइम से मोटिवेशन नहीं आया था तो आप लोग बिल्कुल डल चले जा रहे थे, तो आपको ऐसा डल नहीं होना है, आपको तो शाइन होना है, ठीक है। शाइन करना सीखो, उठना सीखो, है ना। बाकी परेशान नहीं होना, एक ही बारी में सब कुछ नहीं होता, एक ही दिन सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक ही दिन में बड़ा बड़े साम्राज्य जो होते हैं, एम्पायर जो होते हैं, ठीक है, वो खड़े नहीं होते हैं, टाइम लगता है, है ना। चीज़ को होने में टाइम लगता है, खास करके जब कोई आप अच्छी चीज़ कर रहे हो तो अच्छी चीज़ को होने में काफ़ी टाइम लगता है, है ना। आपको पेशेंस के साथ अपनी प्रिपरेशन करनी होती है, दिक्कतें आती हैं, आपको पता है, हर किसी को पता है। कोई भी आप काम करते हो, कोई भी आप टास्क करते हो तो दिक्कत हर जगह आती है, ठीक है। कोई भी आप टास्क करते हो, प्रॉब्लम हर जगह आती है, ठीक है। प्रॉब्लम हर जगह आती है, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में हो, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो या आप प्रॉब्लम को मतलब ऐसे उसे लेकर बैठने वाले हो कि यार ये हो गया वो हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्वर हो, ठीक है, आपको क्या करना है कि उससे सोचना है कि यार जो प्रॉब्लम है ये पहली बात प्रॉब्लम है भी कि नहीं है, है तो उसका देखो, उसका सोल्यूशन निकालने का ट्राई करो। तो उस हिसाब से आपको अपनी हैबिट बनानी पड़ती है, और एक दिन का काम नहीं होता भाई, ये एक दिन का काम नहीं होता है, ये आपको अपनी डेली हैबिट बनाना होता है, सीखना होता है चीज़ों को। सिंपल सी बात है यार, जो चीज़ आपको नहीं पता उसको सीखो, कई सारे ऑप्शन है आपके पास सीखने के। वो आप आपकी ऐसी मेंटलिटी है कि आप सीखना नहीं चाह रहे हो तो वो गलत बात है फिर, ठीक है। जब तक आप लोग मतलब खुद से डेडिकेट नहीं हो, खुद से आप डिसिप्लिन नहीं हो, तो फिर आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करो, बाकी जहाँ दिक्कत आती है वहाँ बता दिया करो। आई एम ऑलवेज विद यू गाइस, ठीक है। जब तक चल रहा है आपके सपोर्ट में लगे हुए हैं, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी समस्या होगी, कुछ भी दिक्कत होगी तो बिल्कुल बता देना, ठीक है। वीडियो को सही ले, कुछ भी आपको सीखने को मिलता है, ठीक है, तो आप लाइक कर सकते हो, ठीक है, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सब कुछ ही फ्री है, ठीक है। और कोई भी आपके क्वेरीज होती है, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम होती है, कमेंट आप लोग कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।